व्यक्ति थे जिनके न केवल उनके परिवार को, पंजाबी सिख समाज को, बल्कि सारे मुंबईकरों को, जो कोई तवाना परिवार को जानता है सबको गर्व है। ये सब जो आज नामकरण कार्यक्रम हुआ है, ये भी यहाँ के सिख समाज की तरफ से, गुरुद्वारे की तरफ से कहा गया था, और आदरणीय गोपाल सेठी जी हमारे नगर सेवक तवाना मैडम और मेरे मित्र युवा मोर्चे के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह जी तवाना, इन सब के प्रयास से वह तवाना परिवार ने केवल नेवी के साथ देश की सेवा नहीं की बल्कि समाज की सेवा भी बहुत की है। सतनाम सिंह जी तवाना, फिर उनकी पत्नी तेजेंद्र सिंह जी, सब इनके खून के अंदर इनके दादाजी का रक्त है कि समाज का ध्यान रखो। मैं इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए यहाँ के सभी महानगर पालिका के अधिकारी, सभी समाज सेवक आदरणीय गोपाल जी सेठी और तवाना परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। इस तरह से देश की सेवा में और समाज की सेवा में जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे चौक और भी जगह पर आपको लगता है कि इस तरह से चौक बनने चाहिए? ऐसे चौक कई बने, ये देशभक्तों की सरकार है, धर्मप्रियों की सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है। जो देश की सेवा करेगा वही हमारा हीरो है, वही हमारे देवता है, यही हमने आज किया है। लेफ्टिनेंट कमांडर हरि सिंह तिवाना जी के नाम पर ये यहाँ पर चौक का नामकरण हुआ है। हम सब के लिए गौरव की बात है कि देश के लिए जिन्होंने सेवा की, उनके परिवार के सतनाम तिवाना हो, तेजिंदर हो, जयाबेन हो, ये सारे लोग नगर सेवक के रूप में यहाँ पर मराठ की सेवा करते हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे महान सपूतों का नाम चौकों को, रास्तों को देकर आने वाली पीढ़ी को कुछ हमने सीख देने की आवश्यकता है, जो जिनके दिलो दिमाग में देश और समाज के लिए मर मिटने की तमन्ना पैदा हो। मैं मानता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाले दिनों में संभव कि मैं केवल आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं देरी से आया, पर यहाँ से जाने से पहले मन की एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं सारी दुनिया घूमाऊँ और राजनीति में भी लंबे समय से हूँ, 27 साल से 28 साल से रहने हूँ, पर मैंने निश्चल हृदय और दीवानापन और कैपेसिटी ऑफ द वर्क एंड कमिटमेंट टू द पार्टी और देश के प्रति प्रेम, ये 5-7 जो खूबियाँ होती हैं, मैं किसी में गया, किसी में एक मिली, किसी में दो मिली, जगह क्यों ढूंढा, सब एक साथ में कहीं नहीं मिली, लास्ट में मिली तो एवरसाइन नगर में मिली और तेजेंद्र सिंह तवाना के बहुत। और ये मैं मन से कह रहा हूँ, जो जो इससे मिलता है उसको जीवन का आनंद आ जाता है। कभी भी रात को फोन कर दो सदा जी, कोई भी गलो बराबर संभाल के लेगा, ये कभी नाराज नहीं होता। और ये माँ बाप दोनों के संस्कार हैं, हरि सिंह जी का आशीर्वाद है। आनंद लीजिए, धूप आ रही है, समय लेट हो गया, नाराज मत होइए, आनंद लीजिए। आनंद इसलिए लीजिए कि एक अच्छा लड़का अपने आप सबके आशीर्वाद से तैयार हो रहा है। देखो ऐसा है कि एक नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो थोड़ा अपने को 10 साल पहले अपनी क्या स्थिति थी, 10 साल पहले कभी अपन लंदन अमेरिका, यू आर फ्रॉम इंडिया, ओके अब यू नो यू आर फ्रॉम इंडिया, ये जो फर्क यहाँ से यहाँ तक आया किसने लाया? एक व्यक्ति ने लाया, और उस व्यक्ति को उस जगह पर पहुंचाने का काम किसने किया? आपने किया। अच्छे व्यक्ति को अच्छे जगह पर पहुंचाने से देश बदलता है, अच्छे व्यक्ति को अच्छे जगह पर पहुंचाओगे तो क्षेत्र भी बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।